नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि एकादशी और बुधवार का दिन है। एकादशी तिथि आज दोपहर 3:03 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आपको याद हो, आपको पता है कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी व्रत करने का विधान है और आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी, लिहाजा आज विजया एकादशी मनाई जाएगी। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके अगले दिन की सुबह 7:28 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज के दिन जल वेतस यानी केन के पेड़ की केन छड़ी जिससे बनती है, केन का सोफा भी बनता है, उसकी उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा आज दोपहर 3:03 से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक राजयोग रहेगा। राजयोग में किए गए सभी कार्य सुफल देते हैं, विशेषकर इस दौरान धार्मिक कार्यों से लाभ मिलता है। इन सब बातों की आगे हम चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, चाहे आपका आज का लकी कलर, चाहे आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, आज अगर कोई नया एग्रीमेंट साइन करना है तो कितने बजे उसे साइन करना उचित रहेगा, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तु शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की, किस दिशा में जाने से होगा फायदा और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है। और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 20 तारीख को शाम 4 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 21 तारीख की सुबह 8:16 से 22 तारीख की दोपहर पहले 11:19 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल सुबह 7:28 से दोपहर पहले 11:07 तक और दोपहर 1:02 से 1:52 तक रहेगा। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 तारीख को सुबह 6:50 से शाम 7:31 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:57 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:11 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल सुबह 7:28 से दोपहर पहले 11:07 तक और दोपहर 1:02 से 1:52 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल शाम 4 से 7:54 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:06 से शाम 7:58 तक रहेगा। अगर आप कोई वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 तारीख को सुबह 9:13 से शाम 5:21 तक रहेगा। आज कोर्ट कचहरी के अंदर किसी मामले में दरख्वास्त देने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल शाम 4 से 7:54 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 तारीख को सुबह 7:43 से 9:08 तक और सुबह 10:43 से दोपहर 12:23 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 तारीख को सुबह 9:13 से दोपहर 12:58 तक और दोपहर बाद 3:13 से शाम 5:21 तक रहेगा। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:11 से दोपहर पहले 11:11 तक और दोपहर 1:06 से शाम 7:58 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह शुभ समय 20 तारीख को शाम 7:49 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, तुला, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे कि इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक
कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:35 से 2 बजे तक, मुंबई दोपहर 12:53 से 2:19 तक, चंडीगढ़ दोपहर 12:37 से 2:01 तक, लखनऊ दोपहर 12:20 से 1:45 तक, भोपाल दोपहर 12:12 से 1:38 तक, कोलकाता दोपहर पहले 11:51 से 1:17 तक, अहमदाबाद दोपहर 12:53 से 2:19 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:23 से 1:51 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, घर से निकलकर किधर जाए कि फायदा हो, तो वो शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। आज आप अपने शहर से पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में पड़ने वाले शहरों की यात्रा के लिए जा सकते हैं। यात्रा शुभ होगी, यात्रा कल्याणकारी होगी। आपको रिश्ते के लिए जाना है, आपको किसी नए काम या एग्रीमेंट के लिए जाना है, घर से पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। ऑफिस जाते समय खास ख्याल रखिए, घर से निकलकर कुछ कदम 7 कदम पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। आपको दोस्तों से कोई अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। ऑफिस में भी आपको अधिकारियों से मदद मिलेगी। बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी डील मिलेगी जिसमें तरक्की सुनिश्चित है। नौकरी पेशा लोगों का आज इंक्रीमेंट के साथ प्रमोशन भी होगा। आपसी प्यार आपके दाम्पत्य रिश्तों को और भी बेहतर बनाएगा। पारिवारिक जीवन आज हर तरह से अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, सब अच्छा होगा। सेहत के मामले में भी सब बेहतर रहेगा। शयन कक्ष का रंग हल्का गुलाबी या हल्का हरा रखें। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपके हर काम का हल चुटकियों में निकल जाएगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको अपनी राय देने का मौका मिलेगा। लोगों को अपना काम पसंद आएगा। आज आप लेखन कार्यों में रुचि लेंगे। घर के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे, इससे आपके संबंधों में मजबूती बरकरार रहेगी। आज किसी काम के लिए की गई मेहनत से आपके माता पिता खुश होंगे। श्री गणेशाय नमः मंत्र का 11 बार जप करें, आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आप अपने लक्ष्य के बारे में सोच विचार करेंगे। बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। परिवार वालों के साथ जितना प्रेम भाव बनाए रखेंगे आपके जीवन के लिए उतना ही अच्छा है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक रहेगा। आपको पढ़ाई में मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत, सफलता लबे दम है। आपको पहले किसी काम के लिए किए गए प्रयासों का आज बेहतर फल मिलेगा। आपका आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। मंदिर में कपूर की डिब्बी दान करें, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आप किसी सामाजिक कार्य में रुचि लेंगे। आपको किसी धार्मिक आयोजन से जुड़ने का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर आपको थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। कोई व्यक्ति आपके काम में अड़चने डाल सकता है। आज दूसरों से उलझने से अच्छा है कि आप अपने काम पर ध्यान दें। परिवार में भी आपको रिश्तों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। गाय को हरी घास खिलाइए, आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पैरेट ग्रीन और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों के साथ आप अपनी कोई बात शेयर करेंगे। आपको किसी नई बिजनेस डील के लिए विदेश जाने का ऑफर मिलेगा। आप पार्टनर के साथ शॉपिंग करने की प्लानिंग करेंगे। इस राशि के बच्चों का मन आज पढ़ाई में लगेगा। परिवार में सबकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। आप काम को लेकर कोई नया विचार बना सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। ऑफिस में सबका सहयोग पाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। जरूरतमंद को भोजन कराएं, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है लेमन और लकी नंबर है 1।
कन्या राशि वालों, आज बड़े बुजुर्ग अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, उनकी सेहत ठीक बनी रहेगी। एजेंट के रूप में काम कर रहे लोगों को आज लाभ के कई सारे मौके मिलेंगे। बच्चे घर के काम में आपका हाथ बटाएंगे। आपका कोई जरूरी काम आज बड़ी ही आसानी से और समय पर पूरा होगा, जिससे आप काफ़ी खुश रहेंगे। जीवन साथी के साथ अपनी खुशियों को बाँट कर आपको और भी अच्छा लगेगा। आज आप किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मंदिर में लौंग और इलायची चढ़ाइए, सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आप अपना ध्यान पुराने कामों को पूरा करने में लगाएंगे। आपको पैसों के लेन देन करने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। आज आप किसी सामान को कहीं रखकर भूल सकते हैं। आपको अपनी कीमती चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए अभी थोड़ी और मेहनत की आवश्यकता है। वेब डेवलपर्स के लिए दिन ठीक रहने वाला है। माता पिता का साथ बना रहेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति हो सकती है। मौसम को देखते हुए आपको अपने डेली रूटीन में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। जरूरतमंद को हरा कपड़ा दान करें, मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको किसी खास व्यक्ति से कुछ प्रेरणा मिलेगी। माता पिता के साथ आप धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर बना रहेगा। आज आप बढ़िया खाने का लुत्फ उठाएंगे। आपकी किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होने की संभावना बन रही है। आपका दोस्त आपको बिजनेस के कुछ नए आइडियाज देगा। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कुछ बड़े लोग आपके व्यवहार से प्रसन्न होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपको सरकारी कामों में कुछ लोगों से सहयोग मिलेगा, जिससे आपका काम समय पर पूरा होगा। काम के प्रति आपकी मेहनत और लगन बढ़ेगी। आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। परिवार वालों की उम्मीदें आपसे बनी रहेंगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आप दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। लवमेट्स कहीं घूमने जा सकते हैं। गणेश जी को मोदक का भोग लगाइए, कारोबार में बरकत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आया है। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। किसी विषय में आ रही प्रॉब्लम आज दूर हो जाएगी। घर वालों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। ऑफिस में सहकर्मियों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। जूनियर्स आपसे काम सीखना चाहेंगे। लवमेट बाहर डिनर करने का प्लान बना सकते हैं। आपका कोई भी काम आज आसानी से पूरा हो जाएगा। आज बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आप पूरा दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। लोग आपसे खुश रहेंगे। आप किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से पार्टनरशिप करने का विचार बनाएंगे। आज आपको लाभ के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपको किसी सोर्स से उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होगा। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी समारोह में जाने का मौका मिलेगा। जानकार आपकी क्रिएटिविटी की सराहना करेंगे। अनाथालय में जरूरत की चीज़ें दान करें, धन में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपको सबके साथ अपने संबंध बेहतर बनाकर रखने चाहिए। दोस्तों के साथ कुछ अनबन हो सकती है। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को जॉब के कई सुनहरे अवसर मिलने की संभावना है। आपको कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इस राशि के जिन लोगों की मोबाइल शॉप है, आज का दिन उनके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, आपको बेवजह की चीज़ों पर खर्च करने से बचना चाहिए। साथ ही वाहन चलाते समय अपने साथ जरूरी कागजात रखना न भूलें। मंदिर में फल का दान करें, लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज एक मुट्ठी मूंग बहते जल में बहाएं। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, वो गौशाला में हरा चारा दान करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन छात्रों के करियर में बदलाव लाएगा। आपके सोचे हुए काम भी पूरे होंगे। मूलांक 2, सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े लोगों की जान पहचान किसी बड़े व्यक्ति से होगी। मूलांक 3, सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। किसी काम में सकारात्मक परिणाम मिलेगा। मूलांक 4, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। उनके साथ किसी यादगार जगह पर घूमने जाएंगे। मूलांक 5,
सगे संबंधियों से प्रेम और सम्मान मिलेगा, उनके बीच और नजदीकियां बढ़ेंगी। मूलांक 6, माता पिता बच्चों की पढ़ाई में सहायता करेंगे जिससे बच्चों के सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। मूलांक 7, कुछ सहकर्मी आपके काम में सपोर्ट करेंगे जिससे आपका काम जल्दी पूरा होगा। मूलांक 8, किसी करीबी से आपको उपहार मिलेगा, उसके प्रति आपका प्यार और बढ़ेगा। मूलांक 9, अच्छे लोगों से मिलना और उनसे बातें करना आपके लिए फायदेमंद होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे मनी प्लांट के पौधे के बारे में। घर में साज सज्जा के लिए बहुत से पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे साज सज्जा के साथ साथ घर में सुख समृद्धि की दृष्टि से भी अच्छे होते हैं। ऐसा ही एक पौधा मनी प्लांट भी माना जाता है। अधिकतर घरों में आपने पौधा देखा होगा, लताओं वाला ये पौधा हरे रंग का होता है। घर में मनी प्लांट या आपका पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और धन की आवक बढ़ती है। वास्तु के साथ साथ इंटीरियर की दृष्टि से भी मनी प्लांट का पौधा काफ़ी अच्छा होता है। मनी प्लांट में न सिर्फ धन की बढ़ोतरी होती है बल्कि रिश्तों में भी मधुरता आती है। इसे आप घर के अंदर या बाहर कहीं भी लगा सकते हैं और इसे आप चाहें तो गमले में लगा सकते हैं, नहीं तो बोतल में भी लगा सकते हैं। किस दिशा में मनी प्लांट का पौधा लगाना ठीक रहता है इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि एकादशी और बुधवार का दिन है। एकादशी तिथि आज दोपहर 3:03 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आपको पता है कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी का व्रत करने का विधान है और आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, लिहाजा आज विजया एकादशी मनाई जाएगी। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके अगले दिन की सुबह 7:28 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। इसका संबंध जलवेतस के पेड़ से बताया गया है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जलवेतस यानी केन, जिसे छड़ी बनती है, केन जिसे सोफा वगैरह बनता है, केन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। बेत जिसे कहते हैं, हो सके तो उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए और साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप जल वेतस यानी केन के पेड़ को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाए, इसकी लकड़ियों को नहीं तोड़ें और न ही से किसी प्रकार के इस्तेमाल में लें। इसके अलावा आज दोपहर 3:03 से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक राजयोग रहेगा। राजयोग में किए गए सभी कार्य शुभ फल देते हैं, विशेषकर कि इस दौरान धार्मिक कार्यों से लाभ मिलता है। तो ये थी चर्चा आज के दिन नक्षत्र और योग की। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले विजय एकादशी व्रत के बारे में। साल में कुल 24 एकादशियां होती हैं, यानी एक महीने में दो, लेकिन अधिक मास पड़ने पर इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इन एकादशियों का नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। इनसे मिलने वाले फल भी अलग अलग होते हैं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी विजय दिलाने वाली होती है। आज के दिन व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय मिलती है, लिहाजा उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। प्रत्येक एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, अतः आज के दिन एकादशी का व्रत और भगवान की पूजा से कैसे आप जीवन के हर क्षेत्र में विजय पा सकते हैं, अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं और अपने आने वाले जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज विजया एकादशी के दिन किए जाने वाले राशिवार उपायों की। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, आज के दिन आपको 5 तुलसी की पत्तियां लेकर उन पर हल्दी का टीका लगाकर श्री विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए और तुलसी की पत्तियां अर्पित करते समय मनी मन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने बिजनेस राइवल को परास्त करने में सफल होंगे। वैसे तो आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार ये उपाय मेष राशि वालों के लिए विशेष फलदायी है, लेकिन सभी राशि वाले लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। वृष राशि वालों, आज के दिन आपको दक्षिणावर्त शंख में गंगा जल भरकर विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। वैसे तो आज की ग्रह स्थिति के अनुसार ये उपाय वृष राशि वालों के लिए ही विशेष रूप से लाभदायक है, लेकिन बाकी राशि वाले लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। और मिथुन राशि वालों, आज के दिन आपको चंदन की खुशबू वाली 2 धूप बत्ती के पैकेट विष्णु भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में अर्पित करने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों में प्यार कायम रहेगा। वैसे तो आज की ग्रह स्थिति के अनुसार ये उपाय मिथुन राशि वालों के लिए विशेष फलदायी है, लेकिन बाकी राशि वाले लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं।
अच्छा मान लीजिए कभी कभी ऐसा, जैसे आप मिथुन राशि के हैं, हमने कहा 2 पैकेट धूप बत्ती अर्पित कराओ। अब आप सुन तो रहे हैं लेकिन अभी ऑफिस जाने की जल्दी है, या मजबूरी है कि आप चाहते हैं बहुत मन से, आप पहुंच नहीं सकते, तो भैया धीरज रखो, 10-20 सेकंड का समय, नेत्र बंद कीजिए, श्री विष्णु के चरणों में जाइए और आकाश रूपी यानी मन से उनको धूप बत्ती उनके चरणों में अर्पित कीजिए, निश्चित लाभ आपको मिलेगा। बाद में जब कभी मौका मिले तो जाके दे आइएगा मंदिर में, लेकिन ऐसा करिए मजबूरी में ही, इसको आलस्य का कारण ना बनाइए, पंडित ने तो कह दिया अब चलो ऐसे कर लेते हैं बाद में देख, आलस्य के अगर रियल मजबूरी हो तभी ये चीजें काम करती हैं, जो आपके मन को, आपके बुद्धि को, आपके शरीर को सब मालूम है, आप उससे कुछ छिपा नहीं सकते। अगर आप आलस्य वश कर रहे हैं तो ये टेक्निक नहीं चलेगी, और अगर आप मजबूरी में कर रहे हैं तो ये टेक्निक 200% काम करेगी, आजमा के देख लीजिए। क्योंकि ये जो ऊपर एक कंप्यूटर है, सुपर डुपर कंप्यूटर, जिसका नाम प्रकृति है, जिसका नाम पुरुष है, जिसका नाम ईश्वर है, जिसको हम सत्य के नाम से भी जानते हैं, उस सुपर डुपर कंप्यूटर में हर एंट्री बिल्कुल सही ढंग से फीड होती है, बंद कमरे में करें या खुले मैदान में, हर एक्शन बिल्कुल सही ढंग से फीड होता है वहां पर। तो इसलिए अगर आप मजबूर हैं नहीं पहुंच सकते, और ऐसी अवस्था में आप मन से भगवान के चरणों में पहुंच रहे हैं, भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते, लेकिन अगर आप आलस की वजह से भगवान को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सफल नहीं होगी कोशिश, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कर्क राशि वालों, आज के दिन सुबह के समय आपको तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए, और जल चढ़ाने से जो मिट्टी गीली हो उससे अपनी नाभि और मस्तक पर टीका लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप हमेशा सेहतमंद बने रहेंगे। वैसे तो आज की ग्रह नक्षत्र की स्थिति के अनुसार ये उपाय कर्क राशि वालों के लिए ही विशेष लाभदायी है, लेकिन बाकी राशि वाले लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। सिंह राशि वालों, आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय 5 सफेद कौड़ियां लेकर भगवान के सामने रखनी चाहिए, और भगवान की पूजा के साथ ही कौड़ियों की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उन कौड़ियों को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने कैश बॉक्स में रख लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से बिजनेस की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। वैसे तो आज की ग्रह स्थिति के अनुसार ये उपाय सिंह राशि वालों के लिए ही विशेष फलदायी है, लेकिन बाकी राशि वाले लोग भी इस उपाय से लाभ उठा सकते हैं। कन्या राशि वालों, आज के दिन आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए और धूप दीप चंदन आदि से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर आप व्रत न कर पाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर आपको भगवान विष्णु का की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सारी उलझनें जल्द ही दूर हो जाएंगी। वैसे तो आज की ग्रह स्थिति के अनुसार ये उपाय कन्या राशि वालों के लिए ही विशेष रूप से लाभकारी है, लेकिन बाकी राशि वाले लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। और तुला राशि वालों, आज के दिन आपको सूजी का हलवा बनाकर संभव हो तो उसमें थोड़ी सी केसर डालकर श्री विष्णु भगवान को भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। वैसे तो आज की ग्रह स्थिति के अनुसार ये उपाय तुला राशि वालों के लिए ही विशेष फलदायी है, लेकिन बाकी राशि वाले लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। और वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन आपको विद्या यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इसके लिए आप धातु पर बना यंत्र भी ले सकते हैं, चाहे तो स्वयं भी घर पर यंत्र का निर्माण करके उसकी स्थापना कर सकते हैं, भोजपत्र पर बना सकते हैं, सादे कागज पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक भोजपत्र, अनार की कलम, अष्टगंध की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें न जुटा पाएं तो एक सफ़ेद कोरे कागज पर लाल पेन से या स्याही से भी, लाल स्याही से यंत्र बना सकते हैं। यंत्र बनाने के लिए सबसे पहले भोजपत्र या सफ़ेद कागज पर एक वर्ग बनाइए, उसमें 3-3 की संख्या में 3 कॉलम बनाइए। अब पहले कॉलम में बाईं से दाहिनी तरफ क्रम से 11, 1 और 8 लिखिए, फिर दूसरी रो में लिखिए 4, 7, 9, और फिर आखिर में तीसरे कॉलम में बाईं से दाहिनी तरफ 5, 12, 3 लिखिए। अब इस यंत्र की विधिपूर्वक धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें और उस पर सरस्वती के मंत्र का जप करें और उसे ताबीज़ में भरकर गले में धारण कर लें या उसे अपने घर में उचित स्थान पर स्थापित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठा रहेगा। वैसे तो आज की ग्रह स्थिति के अनुसार ये उपाय वृश्चिक राशि वालों के लिए
विशेष लाभदायी है, लेकिन सभी राशि के लोगों को इससे लाभ होगा, जो कोई भी कर सकता है। और धनु राशि वालों, आज के दिन आपको भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाकर एकादशी का महात्म्य पढ़ना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका परिवार हर तरह से स्ट्रांग बना रहेगा। वैसे तो आज की ग्रह स्थिति के अनुसार ये उपाय धनु राशि वालों के लिए ही विशेष रूप से लाभकारी है, लेकिन बाकी राशि वाले लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। और मकर राशि वालों, आज के दिन आपको भगवान विष्णु के मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय। आज के दिन भगवान विष्णु के इस मंत्र का जप करने से हर तरह की प्रतियोगिता में आपकी जीत सुनिश्चित होगी। वैसे तो आज की ग्रह स्थिति के अनुसार ये उपाय मकर राशि वालों के लिए ही विशेष फलदायी है, लेकिन बाकी राशि वाले लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। और कुंभ राशि वालों, आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि कायम रहेगी। वैसे तो आज की ग्रह स्थिति के अनुसार ये उपाय कुंभ राशि वालों के लिए विशेष लाभकारी है, लेकिन बाकी राशि वाले लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। और मीन राशि वालों, आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद आपको घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की बहुत अच्छे से साफ सफाई करके वहाँ पर जौ के दाने बिछाकर उस पर मिट्टी का कलश पानी से भरकर रखना चाहिए और फिर उसमें थोड़ी सी दूरवा दूब घास डालनी चाहिए। आप उस मिट्टी के कलश को ढककर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें और भगवान की विधिपूर्वक पूजा करें। जब पूजा संपूर्ण हो जाए तो मूर्ति सहित कलश को किसी मंदिर में दान कर दें और बाकी इस्तेमाल की हुई सामग्री को पानी में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के पास रखाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको काम में लगातार मिल रही हार से छुटकारा मिलेगा और आपका काम सफल होगा। वैसे तो आज की ग्रह स्थिति के अनुसार ये उपाय मीन राशि वालों के लिए ही विशेष फलदायी है, लेकिन बाकी राशि वाले लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी चर्चा थी आज पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, सिद्धि योग और विजया एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में कि कौन कौन से उपाय करके विभिन्न परेशानियों से बच सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, कई दिनों से रुके हुए कामों में आज सफलता मिलेगी, आपकी सारी चिंताएं भी दूर होंगी। B, आज ऑफिस के किसी काम में जल्दबाजी न करें, जो भी करें धैर्यपूर्वक करें। C, छात्रों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, आपका पढ़ाई में पूरा मन लगेगा। D, अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। E, आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, आप खुद को काफ़ी फिट महसूस करेंगे। F, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा, ये परिणाम आपके व्यवसाय से जुड़ा होगा। G, कॉलेज से मिले प्रोजेक्ट को किसी सीनियर की मदद से पूरा करेंगे, टीचर्स भी आपसे खुश बने रहेंगे। H, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा, शाम तक आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। I, अपने बच्चों के खान पान पर ध्यान दें, जिससे बच्चों की सेहत अच्छी बनी रहे। J, शाम को परिवार के साथ मिलकर खाना खाने का आनंद लेंगे, सभी लोग एक दूसरे से अपने दिल की बात कहेंगे। K, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आपको आज छुटकारा मिलेगा। L, आज नए कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। M, आपको अपने फिजूल के खर्चों को कम करना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। N, ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करेंगे, जिससे आपका पेंडिंग काम पूरा होगा। O, सरकारी कर्मचारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा, आपके लिए प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं। P, स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, आपको बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। Q, आज का दिन उत्तम रहेगा, आपके सभी काम आपके मन के मुताबिक पूरे होंगे। R, रोजमर्रा के काम आसानी से पूरे होंगे, आपकी सभी समस्याओं का तुरंत हल निकलेगा। S, ऑफिस में लोग आपके सकारात्मक विचारों से खुश होंगे, साथ ही आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। T, आपकी मुलाकात किसी खास मित्र से होगी, जिससे आपकी पिछली यादें ताजा होंगी। U, दूसरों के मामलों में दखल न दें,
आवश्यकता पड़ने पर ही किसी को अपनी राय दें। वी, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएंगे, आज कुछ नई चीजों से भी रूबरू होंगे। डब्ल्यू, आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आज आप खरीद सकते हैं। एक्स, बिजनेस से रिलेटेड आज का दिन अच्छा गुजरेगा, बिजनेस में बड़ा लाभ होगा। वाई, किसी काम में कुछ ज्यादा ही मेहनत करेंगे जिससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। जेड, अपनी ताकत और प्रतिष्ठा से पहचाने जाएंगे, किसी समारोह में भी जाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र। यहाँ पुणे के मोरगांव क्षेत्र में मयूरेश्वर विनायक का मंदिर है। ये मंदिर महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिरों में प्रमुख है। पुणे से करीब 80 किलोमीटर दूर मयूरेश्वर मंदिर के चारों कोनों में मीनारें और लंबे पत्थरों की दीवारें हैं। यहाँ चार द्वार भी हैं, इन्हें सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग चारों युग का प्रतीक मानते हैं। यहाँ गणेश जी की एक मूर्ति बैठी मुद्रा में है, उनकी सूंड बाईं ओर है। भगवान की चार भुजाएं और तीन नेत्र, मंदिर में नंदी की भी मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर गणेश जी ने सिंधुरासुर नाम के राक्षस का वध मोर पर सवार होकर किया था, इसी कारण गणपति को मयूरेश्वर कहा जाता है। दूर दूर से गजानन के भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, तो आप भी कीजिए मयूरेश्वर विनायक के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने आपको हाथी के चिन्ह के बारे में बताया था, और आज हम बात करेंगे हथेली पर सूर्य के समान चिन्ह की। जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य के समान चिन्ह की आकृति हो, उस पर स्वयं भगवान सूर्य की कृपा बनी रहती है। सूर्य के तेज समान हर काम में इनकी गति भी तेज होती है। सूर्यदेव इनकी जिंदगी में कभी भी दुख की परछाई नहीं पड़ने देते, और इनकी रोशनी में से सदा इनके जीवन में चमक भरते रहती हैं अपनी रोशनी से। जिस व्यक्ति की हथेली में सूर्य के समान चिन्ह होता है, वे लोग प्रखर बुद्धि वाले और यथार्थवादी होते हैं। इनका जीवन बहुत ही सादगी प्रिय होता है। धन दौलत होते हुए भी इन पर घमंड की चादर कभी नहीं चढ़ती। ऐसे लोग अधिकतर शोधकर्ता या आविष्कारक का काम करते हैं और सम्मान पाते हैं। कल हम बात करेंगे हथेली में आकाश के तारों के समान चिन्ह के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 19 फरवरी को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिवबी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपके संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज दोपहर बाद 3:03 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 4 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अतः आज दोपहर बाद 3:03 तक आपको शिमबी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन अवॉइड करना चाहिए, जबकि उसके बाद कल शाम 4 तक आपको पूतिका यानी पोई के साग का सेवन करने से बचना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का, तो आज किसी जरूरतमंद को दूध का पैकेट दान करें, गिफ्ट करें, दीजिए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatvnews.com और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971-000-226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।